10 most incredible events happened in the world. दुनिया में हुई 10 सबसे अविश्वसनीय घटनाएं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी पृथ्वी पर हम हर समय कुछ ऐसा घटित होते देखते हैं जिस पर विश्वास करना बेहद मुश्किल होता है। कुछ समय पहले जब टेक्नोलॉजी आज के समय जैसी नहीं थी, लोगों को जब इस तरह की घटनाओं के बारे में बताया जाता था तो उन्हें ये बातें झूठी और मनगढ़ंत लगती थी। लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से पृथ्वी पर घटित होने वाली इन अजीब चीजों व घटनाओं को अपने स्मार्टफोन पर देख सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी पर होने वाली इसी प्रकार की 10 अविश्वसनीय घटनाओं के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, क्रिसमस आइलैंड क्रैब्स माइग्रेशन। केकड़ों के बारे में तो आप सभी लोग अच्छी तरह जानते होंगे। केकड़े पूरी दुनिया में समुद्र, नदियों और झीलों के अलावा जमीन पर भी पाए जाते हैं। जमीन पर रहने वाले इन केकड़ों को लैंड क्रैब यानी जमीनी केकड़ों का नाम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड पर जमीन पर रहने वाले लाल केकड़ों की नस्ल पाई जाती है। ये केकड़े दिखने में सुर्ख लाल रंग के होते हैं। क्रिसमस आइलैंड पर इन लाल केकड़ों की कुल आबादी लगभग 5 करोड़ है। एक चीज जो इन केकड़ों को बेहद खास बनाती है वो है इनके द्वारा हर साल किया जाने वाला प्रवास। हर साल अक्टूबर और दिसंबर के बीच ये केकड़े एक बेहद अनोखी यात्रा पर निकलते हैं। ये सभी केकड़े अपने घर यानी आइलैंड को छोड़कर अंडे देने के लिए समुद्र पर जाते हैं। इस दौरान पूरे आइलैंड पर हर जगह केकड़े ही केकड़े नजर आते हैं। इन केकड़ों को वाहनों के नीचे कुचले जाने से बचाने के लिए आइलैंड के लोगों ने इनके लिए सड़कों के ऊपर खास ब्रिज भी बना रखा है। ये केकड़े इन ब्रिज का इस्तेमाल करके सड़क पार करते हैं। अपने अंडों को समुद्र में डालने के बाद ये केकड़े आइलैंड पर वापस आ जाते हैं। नंबर 9, स्लाइडिंग स्टोन्स ऑफ डेथ वैली। अमेरिका के कैलिफोर्निया और नेवाडा बॉर्डर पर बना डेथ वैली नेशनल पार्क पृथ्वी पर मौजूद एक बेहद अजीब जगह है। ये जगह पृथ्वी पर मौजूद सबसे गर्म व सूखी जगह होने के लिए मशहूर है। एक और चीज जो इस जगह को सबसे अलग और बेहद रहस्यमय बनाती है वो है इस जगह पर अपने आप खिसकने वाले पत्थर। ये जगह पूरी तरह सूखी और सपाट है। इस जगह पर पड़े हुए पत्थर सैकड़ों किलोग्राम तक भारी हैं। इस जगह पर ये पत्थर रहस्यमय तरीके से 1500 फीट आगे तक अपने आप खिसक जाते हैं। पत्थरों के खिसकने के कारण जमीन पर बने निशान आसानी से देखे जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति ने अपनी आंखों से इन पत्थरों को खिसकते हुए नहीं देखा था। लंबे समय तक ये लोगों के लिए एक रहस्य बना रहा। साल 2014 में शोधकर्ताओं ने टाइम लैप्स फोटोग्राफी का इस्तेमाल करके इन पत्थरों के खिसकने को रिकॉर्ड किया। शोधकर्ताओं ने इनके खिसकने का कारण इस जगह पर सर्दी के कारण जमी बर्फ, पानी और हवा के संतुलन को बताया। नंबर 8, ग्लौसेस्टर चीज रेस। हम अक्सर दुनिया में होने वाली बहुत अजीब प्रतियोगिताओं के बारे में सुनते हैं। इनमें कुछ प्रतियोगिताएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में सुनकर उन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। इंग्लैंड के ग्लौसेस्टर में कूपर्स हिल पर होने वाली ग्लौसेस्टर चीज रेस भी उन्हीं अजीब प्रतियोगिताओं में से एक है। इस प्रतियोगिता के दौरान ग्लौसेस्टर चीज का एक बड़ा पहिए के आकार का टुकड़ा पहाड़ी के नीचे धकेल दिया जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोग इस चीज के टुकड़े को पकड़ने के लिए इसके पीछे भागते हैं। इस टुकड़े को सबसे पहले पकड़ने वाला व्यक्ति विजेता कहलाता है। इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिलाएं साथ में भाग लेते हैं। ये प्रतियोगिता बेहद खतरनाक है। पहाड़ी से नीचे की ओर भागते हुए लोग गिरने के कारण अक्सर गंभीर चोटों का शिकार बन जाते हैं। शुरुआत में इस प्रतियोगिता में सिर्फ ब्रॉकवर्थ गांव के लोग हिस्सा लेते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया से लोग इस अजीब प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। नंबर 7, द टोमाटीना फेस्टिवल। होली हमारे भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। भारत में यह त्यौहार हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये बात शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि स्पेन में भी हर साल होली का त्यौहार मनाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ इस त्यौहार में रंगों की जगह टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेन में इसको ला टोमाटीना फेस्टिवल कहा जाता है। जिन लोगों ने बॉलीवुड फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी है वो इसके बारे में जरूर जानते होंगे। ये त्यौहार बुन्योल शहर के एक छोटे से कस्बे में मनाया जाता है, जहाँ हर साल लगभग 40,000 लोग इसमें भाग लेते हैं। इस त्यौहार के दौरान लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं। खेल शुरू होने से पहले सभी टमाटरों को अच्छी तरह पिचकाकर उनका भुरता बना दिया जाता है ताकि किसी को चोट ना लगे। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद द्वारा इस फेस्टिवल के लिए कई कड़े नियम भी बनाए गए हैं। ये दुनिया के सबसे अजीब त्योहारों में से एक माना जाता है। नंबर 6, नर्क का दरवाजा। प्रकृति की सुंदरता इंसान को हैरान करने में कभी असफल नहीं होती। हमारी पृथ्वी पर बहुत सी ऐसी प्राकृतिक खूबसूरत जगहें हैं जिन्हें स्वर्ग कहा जाता है। जहां पृथ्वी की कुछ जगहों को स्वर्ग का नाम दिया गया है, तो वहीं पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिन्हें नर्क का नाम दिया गया है।
तुर्कमेनिस्तान में स्थित एक जगह को डोर टू हेल यानी नर्क के दरवाजे का नाम दिया गया है। दिखने में ये जगह किसी विशाल आग के कुएं जैसी नजर आती है। बताया जाता है कि साल 1971 से आज तक इस गड्ढे में इसी तरह आग जल रही है। रेगिस्तान में बने इस विशाल गड्ढे का व्यास 226 फीट तथा इसकी गहराई 98 फीट है। भूविज्ञानी बताते हैं कि यह गड्ढा प्राकृतिक गैसों का क्षेत्र है। साल 1971 में भूवैज्ञानिकों ने इस गड्ढे में जानबूझकर आग लगाई थी ताकि इससे निकलने वाली मीथेन गैस फैल ना पाए। तब से लेकर आज तक इसमें इसी तरह आग जल रही है। नंबर 5, उंगली खींचने की प्रतियोगिता। ये बात आप सभी लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि दुनिया में बेहद अजीब अजीब किस्म की प्रतियोगिताएं और खेल खेले जाते हैं। इन्हीं अजीब खेलों में से एक है दिए जाते हैं। ये दुनिया के सबसे अजीब खेलों में से एक है। नंबर 4, काटाटुम्बो लाइटनिंग। तूफान के दौरान आकाश में बिजली का चमकना किसी भी व्यक्ति को डरा सकता है। दुनिया में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें बिजली गिरने के कारण लोगों की मौत हो जाती है। आकाश में बिजली का चमकना और गिरना बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन क्या आप यकीन कर पाएंगे कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां हर समय बिजली चमकती और गिरती रहती है? ये अजीब घटना वेनेजुएला की काटाटुम्बो नदी पर घटित होती है। यही वही जगह है जहां काटाटुम्बो नदी पर मैराकाइबो झील आपस में मिलते हैं। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो इस जगह पर लगभग हर समय पूरे साल ही भयंकर तूफान रहता है। तूफान के कारण यहाँ हर समय बिजली कड़कती और गिरती रहती है। इस जगह पर रहने वाले लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी है। हालांकि अक्सर यहाँ लोग बिजली का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। इस जगह पर रहने वाले नाविक सदियों से बिजली के प्रकाश को लाइट हाउस की तरह इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नंबर 3, द ब्लैक सन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले बहुत से जानवर और पक्षी मौसम बदलने पर अपनी जरूरत के अनुसार माइग्रेशन यानी प्रवास करते हैं। कई बार प्रवास कर रहे इन जानवरों व पक्षियों का अद्भुत नजारा हमें देखने को मिलता है। ऐसा ही एक अद्भुत नजारा स्टार्लिंग पक्षी के प्रवास करने के दौरान नजर आता है। हिंदी में स्टार्लिंग को तिलियार मैना के नाम से जाना जाता है। मौसम बदलने पर ये पक्षी हजारों की संख्या में झुंड बनाकर प्रवास करते हैं। पक्षियों का ये विशाल झुंड आकाश में अलग अलग आकृतियां बनाता हुआ आगे बढ़ता है। इन पक्षियों का झुंड इतना विशाल होता है कि कभी कभी सूर्य भी इनके पीछे छिप जाता है। डेनमार्क में इस अद्भुत घटना को द ब्लैक सन का नाम दिया गया है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन पक्षियों का इस तरह विशाल झुंड बनाकर चलने का मुख्य कारण दूसरे शिकारी पक्षियों से खुद की रक्षा करना होता है। यह नजारा वाकई अद्भुत होता है। नंबर 2, वाइफ कैरिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। दुनिया में अजीब अजीब तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इन अजीब प्रतियोगिताओं में बहुत सी प्रतियोगिताएं विश्व स्तर पर भी खेली जाती हैं। फिनलैंड में आयोजित की जाने वाली वाइफ कैरिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप भी उन्हीं विचित्र प्रतियोगिताओं में से एक है। इस प्रतियोगिता में पुरुष अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर दौड़ते हैं। लगभग 1 घंटे चलने वाली इस दौड़ के ट्रैक की लंबाई 277 यार्ड्स यानी लगभग 1/4 किलोमीटर होती है। इस ट्रैक को मुश्किल बनाने के लिए इस पर कई प्रकार की बाधाएं भी बनाई जाती हैं। ये विचित्र प्रतियोगिता फिनलैंड के सोनकाजावी में आयोजित की जाती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आते हैं। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आपकी पत्नी या पार्टनर की उम्र 17 साल से अधिक वे वजन कम से कम 49 किलोग्राम होना चाहिए। नंबर 1, मौत की उंगली। पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा बनाए गए अजूबों की कोई कमी नहीं है। दुनिया में प्रकृति द्वारा बनाए गए अनगिनत अजूबे मौजूद हैं। आइस फिंगर ऑफ डेथ यानी बर्फ से बनी मौत की उंगली भी उन्हीं अजूबों में से एक है। जितना खतरनाक इसका नाम है, असल में भी ये उतनी ही खतरनाक है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी दूसरी दुनिया का नजारा हो। दरअसल होता यह है कि जब ध्रुवीय महासागरों में बर्फ जमती है तो बर्फ से नमकीन गाढ़ा पानी अलग हो जाता है। अलग होने पर इस गाढ़े पानी का तापमान समुद्र के पानी से कहीं ज्यादा कम हो जाता है। गाढ़ा होने के कारण ये पानी नीचे की तरफ बैठने लगता है। नीचे बैठते हुए जैसे ही ये आसपास के पानी के संपर्क में आता है तो इसके चारों तरफ बर्फ जम जाती है। वैज्ञानिक भाषा में इसको ब्रिनिसल कहा जाता है। कई बार ये समुद्र के तल तक पहुंच जाता है। इसके रास्ते में आने वाले सभी समुद्री जीव बर्फ में जमकर मर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी पर घटित होने वाली 10 सबसे अजीब चीजें। आपको इनमें से सबसे मजेदार क्या लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।